50 क्वेश्चन कराने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, जिनको आप लोग पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। रजनी जी नमस्कार, दालचंद जी, आर्यन जी, सभी को मेरा नमस्कार। फटाफट इसको आप लोग शेयर कर दीजिए और शेयर के साथ साथ हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास है, यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखा जाए भैया, जो हम क्लास को चालू कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है भैया, इनको आप लोग समझिए, जानिए और उनके विषयगत आप लोग उत्तर देते रहिए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। क्लास चालू किया जाए, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? आप लोग एक बार बताएं यस करके। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मैं आप लोगों से, ठीक है रजनी जी, अवधेश जी, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी कभी कभी क्या डेली ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग अपना एक एम सुबह उठते ही फिक्स करिए और उस एम को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। शाम तक उस एम को जरूर पूरा कर लीजिए, चाहे वो 1 क्वेश्चन का हो, चाहे 10 क्वेश्चन का हो, चाहे 100 क्वेश्चन का हो, क्योंकि वह एम आपको पूरा करने में पूरा दिन लगा दोगे तो इसी तरीके से 30 दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप नॉर्मली तैयार भी कर लेंगे। तो ज़रूरी होता है कि सुबह उठते ही अपना एक छोटा सा एम जरूर फिक्स करिए और उसको पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा दिन लगा दीजिए और शाम तक वो कंप्लीट हो जा भैया। आगे मैं चर्चा करते हुए क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जो मीर सैयद अली है वो किसके दरबार का मुख्य रूप से चित्रकार माना जाता है? जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के या बाबर के? जल्दी से बताएं आप लोग उत्तर, यहाँ पर ABC कमेंट करके लिख सकते हैं। जी, आप लोगों का जो उत्तर यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं। मीर सैयद अली की बात किया जाए तो ये अकबर के दरबारी कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम क्या है? निहाल चंद, मान सिंह, सावंत सिंह या संसार चंद? जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। आप लोगों के मैं किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम है निहाल चंद, सामंत सिंह या संसार चंद या मान सिंह? तो यहाँ पर मान सिंह होगा, क्योंकि निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार माना जाता है, बनी ठली चित्र का चित्रकार के रूप में इसका नाम लिया जाता है। सामंत सिंह के दरबारी कलाकार के रूप में इसका नाम लिया जाता है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो क्या है? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या काष्ठ कला? तो यहाँ पर क्या सही होगा, आप लोग जल्दी से बताएं। जी, यहाँ पर जो सही है भैया, मंदिरों का निर्माण है, क्योंकि मंदिरों के निर्माण के लिए गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखा जाए, डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पवृक्ष,
कलाकृति का नाम है डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पवृक्ष नामक कलाकृति के कलाकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? नंदलाल बोस का, विनोद बिहारी मुखर्जी या यामिनी राय या वेद नायर जी का? जल्दी से यहाँ बताइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और नया क्वेश्चन है एक प्रकार से। सभी लोग जल्दी से बताएं। बिल्कुल भैया, यहाँ पर देखा जाए डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पवृक्ष की बात किया जाए तो ये वेद नायर जी की कलाकृति है और वेद नायर का जो जन्म होता है 1933 ईस्वी में इनका जन्म अविभाजित पंजाब में हुआ था, ये भी आपको आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण और विशेष पॉइंट वाला क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बनाए गए हैं? तो भैया, पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में या बूंदी में? शिकार के चित्र किस शैली में सर्वाधिक बनाए गए? पहाड़ी में, मुगल में, कंपनी में या बूंदी शैली में? जल्दी से बताएं। आप लोगों के उत्तर का मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया। डालचंद जी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, अनु यादव जी का, अनुप्रिया जी का, खुशबू जी का, ज्योति जी का, इनका उत्तर बिल्कुल सही यहाँ पर कुटअप किया जा रहा है कि जो शिकार के चित्र का चित्रण किया गया है सर्वाधिक, जब कोटा ऑप्शन में नहीं रहता है तो वहाँ पर मुगल शैली का नाम लिया जाता है। मुगल शैली में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? जो मुगल काल के श्रेष्ठ पशु और पक्षियों के चित्र किसके काल में बनाए गए? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के? जल्दी से बताएं यहां पर क्या सही होगा। मुगल काल में श्रेष्ठ पशु और पक्षियों की बात किया जाए तो यहां पर जो अवधेश जी के द्वारा बताया गया, लक्ष्मी जी के द्वारा बताया गया, अनुप्रिया जी के द्वारा बताया गया, रजनी जी के द्वारा, खुशबू जी के द्वारा, डालचंद जी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जहांगीर का नाम लिया जाता है और यहाँ पर जहांगीर का नाम आ ही गया है तो आप ये भी बता दीजिए कि जो जहांगीर का शासन काल है भैया वो कब से कब तक था, कमेंट करके लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन है? जो मुगल चित्रकला है उसमें हिंदू विषयों का पोषक कलाकार कौन माना जाता है, शासक? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? अनुप्रिया जी का, लक्ष्मी जी का, रजनी जी का, अवधेश जी का, ज्योति जी का, सभी का उत्तर यहाँ पर जो आ रहा है बिल्कुल सही है क्योंकि मुगल काल या मुगल काल में देखा जाए बेटा कि जो हिंदू विषयों का पोषक कलाकार माना गया है, शासक माना गया, वो अकबर को माना जाता है। इनका ही मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। आपको क्लास अच्छी लग रही तो लाइक भी कर सकते हो, लाइक वाला बटन भी पास में ही है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है। मुगल सुंदरी नामक चित्र किसके समय में बना है? बड़ा उहापोह है, इसको काफ़ी बच्चे ढूंढते हैं, कभी कभी दूसरे दूसरे संग्रहालय की बात होती है। मुगल सुंदरी की बात हो तो ये किसके समय में बना हुआ है? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या औरंगजेब के? जल्दी बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर सत्य है जो आप लोग बता रहे हैं, मुगल सुंदरी। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखना, मुगल सुंदरी के साथ एक सन दे दिया जाए कि 1640 ईस्वी में बनाया गया चित्र मुगल सुंदरी
किसके शासनकाल में बनाया गया, तो वहां पर किसका नाम आएगा, शाहजहां का नाम आएगा, 1640 का नाम दे देगा। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेना भैया, माइंड में बैठा लेना, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और ही महत्वपूर्ण है, भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं, भित्त चित्र की बात हुई, म्यूरल चित्र कहाँ मिलते हैं, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन में कुटअप किया जा सकता है। खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद या सारनाथ, जल्दी से बताइए। भित्त चित्र कहाँ मिलते हैं, खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद या सारनाथ। जब भित्त चित्र की बात होती है भैया, तो जितने लोग यहाँ पर बी मतलब कि देवगढ़ को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भित्त चित्र जो है देवगढ़ के मंदिरों में पाए जाते हैं, वहाँ से संबंधित है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, ये भी आपके लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है। गीत गोविंद की बात किया जाए तो उसके लेखक के रूप में हम किसका नाम लेते हैं, गीत गोविंद के लेखक के रूप में हम किसका नाम लेते हैं, जल्दी से बताइए। पहले आप लोगों के उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूं कि गीत गोविंद के लेखक के रूप में किसका नाम लेते हैं, जयदेव का नाम लेते हैं, बिल्कुल। अब यहां पर गीत गोविंद के किस चित्र, हाँ चित्र किस विषय से संबंधित हैं, युद्ध से, प्रेम से, धर्म से या सामाजिकता से, तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। गीत गोविंद में देखा जाए तो प्रेम संबंधी वर्णन किया गया है, प्रेम से संबंधित ये किताब मानी जाती है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया, आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आता है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार के रूप में नाम लिया जाता है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार के रूप में नाम लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है, अमृता शेरगिल का, एन एस बेंद्रे का, राजा रवि वर्मा का या के हेब्बार का। यहाँ पर जितने बच्चे के हब्बर का नाम ले रहे हैं, के हब्बार साहब का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर के हब्बार का ही नाम आएगा, क्योंकि सशक्त रेखांकन के लिए उन्हीं का नाम लिया जाता है। के हब्बार साहब की बात हो तो 1912 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, ये भी याद कर लेना भैया। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि असंबंध बताइए, मतलब कि इनमें से अलग कौन सा है उसका नाम बताना है, रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति, इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल अलग कौन सा है उसका नाम बताना है भैया, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति, तो यहाँ पर जो सही क्वेश्चन है वो मूर्ति है, बिल्कुल सही, आप लोगों के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या एम एफ हुसैन, जल्दी से बताएं यहाँ पर किसका नाम लिया जाएगा। औनी बाबू तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो जब ऑप्शन में औनी बाबू ना हो और विवादित भी ना लगा हो, सिर्फ भारत माता की बात की गई हो, तब भी हम एम एफ हुसैन साहब का ही नाम लेंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भैया, लाल रंग किसका प्रतीक है, लाल रंग किसका प्रतीक है, देखा जाए घृणा का,
प्रेम का, शांति का, पराक्रम का, किसका प्रतीक है लाल रंग, जल्दी से बताएं? घृणा, प्रेम, शांति या पराक्रम? जी, अवधेश जी के द्वारा बताया गया, अनुप्रिया जी के द्वारा, आर्यन जी, ममता जी, बिल्कुल सही बात है भैया। लाल रंग की बात हो तो प्रेम की बात होती है, प्रेम से संबंधित यह रंग माना जाता है। आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं। एक कोई पेंटिंग है जो लाल रंग के विभिन्न टोन में बनाई गई, उस पेंटिंग का क्या नाम है? विश्वविख्यात है, लाल रंग के विभिन्न टोनों में बनाई गई कलाकृति का क्या नाम है, जल्दी से बताएं? मोनालिसा, बिल्कुल जी, मोनालिसा का नाम लिया जाता है, ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन है भैया, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं मिलती हैं, जिनमें 275 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, प्रागैतिहासिक हैं कि मुगल हैं कि बौद्ध हैं या जैन हैं, कौन से चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं भीमबेटका में, जल्दी से बताइए। ए, रजनी के द्वारा उत्तर आया ए, ममता शर्मा जी के द्वारा उत्तर आया ए, अवधेश जी के द्वारा ए भी आ गया, अनुप्रिया जी, वर्किंग गेमेस, आर्यन जी, सभी के द्वारा ए आ रहा है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें हमें भैया प्रीहिस्टोरिक मतलब की प्रागैतिहासिक कला से संबंधित कलाकृतियां मिलती हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक उत्तर आप लोगों का। अधिकांश चित्रों में जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे खुटअप कर लिया जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या टिक करेंगे, गेरुआ, काला, श्वेत या नीला, जल्दी से बताइए। जो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों की बात किया जाए तो उसमें किस रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, गेरुआ, काला, श्वेत या नीला, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर गेरू रंग की बात आती है, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है भैया, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका विशेष महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका विशेष महत्व है? रंग, रेखा, प्राकृत, रेखा, रंग, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। सुधीर कुमार जी, अनुप्रिया जी, ममता जी, रेखा जी, लक्ष्मी जी, अर्णव जी, सभी ने रेखा बताया है। यहाँ पर रेखा शब्द की बात की गई है भैया, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आपको और भी क्लियर होना चाहिए कि अजंता की गुफाओं में कितनी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं में कितनी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है, ये भी थोड़ा से हमें बता दीजिए। बिल्कुल भैया, 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग है, वेरी गुड। आप लोगों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है आपके बीच, कह रहा है कि जॉर्ज सोरा का संबंध है, जो जॉर्ज सोरा साहब थे उनका संबंध है बिंदुवादी कला से, एक्रेलिक कला से, मूर्ति कला से या ग्राफिक कला से? बिंदुवादी कला से, क्योंकि ये बिंदुवादी पद्धति पर कार्य करते थे जॉर्ज सोरा साहब की बात किया जाए। ये किसी ग्रुप के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, किसी ग्रुप के शुरुआतकर्ता के रूप में माने जाते हैं, क्या नाम है उस ग्रुप का, नाम का नाम भी बता दीजिए भैया। जॉर्ज सोरा साहब की बात किया जाए तो किस ग्रुप के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, ये भी हमें बता दीजिए। अगला पॉइंट है,
दिलवाड़ा नव प्रभाव प्रभावाद, बिल्कुल नव प्रभावाद के शुरुआती उसके माने जाते हैं बेटा, पितामह के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। दिलवाड़ा जो दिलवाड़ा मंदिर है, एक प्रकार से क्या है, जो दिलवाड़ा का मंदिर है एक प्रकार से किस रूप में जाना जाता है, टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला या संगमरमर मूर्तिकला, प्लास्टर मूर्तिकला, जल्दी जल्दी से बताएं। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, बिल्कुल सत्य है भैया, लेकिन कह रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर एक है टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्तिकला, संगमरमर मूर्तिकला या प्लास्टर मूर्तिकला, यहाँ पर क्या सही होगा? तो यहाँ पर देखा जाए भैया कि संगमरमर मूर्तिकला का नाम आता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण की बात हो। आगे है, सांची के स्तूप हैं, जो सांची का स्तूप है उसका आकार कैसा है, आकार में चौकोर है कि आकार में आयताकार है कि आकार में अर्धवृत्ताकार है कि आकार में त्रिभुजाकार है, क्या है जल्दी से बताएं। सांची के स्तूप है आकार में चौकोर है कि आकार में आयताकार है कि आकार में अर्धवृत्ताकार है कि आकार में त्रिभुजाकार है, यहाँ पर क्या सही होगा? सांची के स्तूप की बात की गई है भैया, तो ये आकार में अर्धवृत्ताकार के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट, आरा अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, जो आरा हैं अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, चेहरा चित्रांकन के लिए, नग्न चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए या प्राकृतिक चित्र के लिए, जल्दी से बताएं। स्टिल लाइफ पेंटिंग, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, आप लोगों का जो उत्तर आ रहा है बहुत ही सुंदर बहुत ही सटीक, क्योंकि आरा साहब अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए इनका नाम लिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है भैया आपके लिए, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। लाल किला किसके पौत्र के द्वारा, पौत्र के द्वारा बनाया गया था, अकबर के, जहांगीर के, हुमायूं के या बाबर के? दिल्ली का लाल किला किसके पौत्र के द्वारा बनाया गया था, अकबर के, हुमायूं के, जहांगीर के या बाबर के? पौत्र का मतलब होता है नाती की बात कर रहा है, बाबा की बात कर रहा है, तो शाहजहां के बाबा के रूप में अकबर का नाम लिया जाएगा और पुत्र पिता के रूप में जहांगीर का नाम लिया जाएगा, ये बात थी ना जी, नाते की बात कर रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भैया आपके लिए, माइकल एंजेलो किसके समय के हैं, जो माइकल एंजेलो साहब थे वो किसके समय के कलाकार माने जाते हैं, फाविज्म, घन चित्रण शैली की बात कर रहा है, पुनर्जागरण या आभास चित्रण, यहाँ पर क्या सही होगा जल्दी से बताएं। माइकल एंजेलो साहब की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से पुनर्जागरण कला के लिए इनका नाम लिया जाता है, इनका जन्म भैया 1475 में हुआ था, मृत्यु की बात किया जाए तो 1534 ईस्वी में इनका इनकी मृत्यु हुई थी। ये महान इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि के रूप में माइकल एंजेलो साहब का नाम लिया जाता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखा जाए भैया, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, हुएंगसांग ने, एडवर्ड ने, एलेक्स ने, रिचर्ड ने, क्यों
किसने देखा था, जल्दी से बताइए यहाँ पर किसका नाम सही आएगा। यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाओं की बात है, सर्वप्रथम देखने की बात है, तो जितने लोग ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ह्वेनसांग के द्वारा सर्वप्रथम इस गुफा को देखा गया था। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में इस चीज़ का वर्णन भी किया हुआ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कहा जाता है कि 1572 ईस्वी में 1572 में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, लेकिन किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, या हमीदा बानो बेगम के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा? चलिए सभी लोग इसका उत्तर दें। यहां पर जितने लोग ए मतलब कि अकबर का नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत ले रहे हैं, क्योंकि अकबर का नाम तब सही होगा जब हमीदा बानो बेगम का नाम नहीं होगा, क्योंकि अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा 1572 ईस्वी में बनाया गया था, जो हुमायूं की बड़ी रानी के रूप में जानी जाती हैं, और उन्होंने अकबर के शासनकाल में इसको बनवाया था। सही बात है कि नहीं, सभी लोग बताएं यस करके, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी चलिए, अरे जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी बता दीजिए, कोई नोट डाउन कर रहा हो तो, कितने क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर कुटअप कर लिया गया है, और अगला क्वेश्चन मैं आपसे कुटअप भी कर रहा हूँ, एक बार लिख देना। विक्टरी टावर कहाँ स्थित है? जो विक्टरी टावर है भैया वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़। 25 हो गए, चलिए रजनी जी धन्यवाद। विक्टरी टावर की बात है तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर, जल्दी से बताइए। विक्टरी टावर की बात किया जाए तो आप लोगों को मालूम होगा भैया ये जो है कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। विक्टरी टावर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह लगभग 37.19 मीटर या 122 फीट ऊंचा माना जाता है, और इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में करवाया गया था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1448 ईस्वी में इस टावर का जो है मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, किसके? महाराणा कुंभा जी के द्वारा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1963 ईस्वी में स्थापित ग्रुप के प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जे एम शेख साहब का, नीलिमा शेख का, यम पांड्या जी का, ज्योति भट्ट का? 1963 ईस्वी में स्थापित कला ग्रुप के कलाकार, चित्रकार, प्रसिद्ध कवि और कला इतिहासकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जी एम शेख, नीलिमा शेख, यम पांड्या, ज्योति भट्ट, जल्दी से बताइए यहाँ क्या सही होगा। बिल्कुल भैया आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखा जाए 1963 की बात किया जाए तो ये 1890 ग्रुप की बात कर रहा है, और उसके प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कला इतिहासकार के रूप में हम जी एम पांड्या जी का नाम लेते हैं, जिनका जन्म सुरेंद्र नगर गुजरात में 1937 में हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था, ये भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है भैया? बीजापुर में, गोलकुंडा में, फतेहपुर में, या आगरा में?
गोल गुंबज की बात किया जाए तो ये आपका बीजापुर में है, जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है बीजा। इसका निर्माण 1626 से 1656 के मध्य जो है मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया। अगला क्वेश्चन आपके बीच, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? जो डेविड की मूर्ति है बेटा, वो किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई, उसका नाम बताना है। लियोनार्डो दा विंची, डीपी राय चौधरी, माइकल एंजेलो या रामबी सुतार? जल्दी से बताइए। यहाँ पर डेविड की मूर्ति की बात है तो मुख्य रूप से देखा जाए, मूर्तिकार की भी साथ में बात किया है, माइकल एंजेलो साहब की बात होती है, इनके द्वारा डेविड की मूर्ति का निर्माण किया गया था, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, कैनवास पर तैल माध्यम में बनाई गई कलाकृति पोटैटो ईटर्स के कलाकार हैं। कैनवास पर तैल रंग में बनाई गई कलाकृति पोटैटो ईटर्स के कलाकार हैं रूबेन साहब, रिम्ब्रा जी, वानगो या अमृता शेरके? जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर वानगोक साहब का नाम आएगा, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार कौन है? बिंदु चित्रण पद्धति को आरंभ करने वाला कलाकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? देगा साहब का, रेणुआ साहब का, वानगो साहब का या सूरज साहब का? यहाँ पर क्या सही होगा, जल्दी से बताइए किसका नाम आएगा, जल्दी से बताइए। शोरा, शोरा को ही शिवरत के नाम से भी जाना जाता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर शिवरत का नाम आएगा क्योंकि ये बिंदु चित्रण पद्धति के आरंभकर्ता के रूप में इनका नाम लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है पीटर पोलाक का, जैक्सन पोलाक का, हेनरी मातिस का, हेनरी मूर का? जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग के कलाकार कौन है? पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मातिस या हेनरी मूर? कंचन यादव जी का यहाँ पर जो उत्तर आया है बिल्कुल सही है, अवधेश जी, अनुप्रिया जी, आर्यन सिंह, बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ पर हेनरी मातिस का नाम आएगा, जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, जिसका अर्थ क्या होता है, जॉय ऑफ लाइफ का जीवन का आनंद, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पीटर हेनरी मातिस साहब के और भी कलाकृति हैं, वुमेन विद ए हैट, ब्लू नीड, डांस, द रेड स्टूडियो, हरी पट्टी इत्यादि कलाकृतियाँ इन्हीं की हैं भैया, इनको भी साथों साथ आप लोग क्लियर कर लेना। आगे बात करते हैं, वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपने जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए जाना जाता है, ये तो नाम आप लोगों को रटा होगा, बिना ऑप्शन के बता दीजिए, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपने जली जलाई लकड़ी के लिए जाना जाता है? जयराम पटेल साहब की, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आज की क्लास यहीं तक, कितने क्वेश्चन हो गए और किसके कितने में से कितने सही हुए हैं ये चीज जरूर आप लोग बता देना, और इनमें कुछ लोग नए भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं,
अच्छी वीडियो लगे तो आप लोग शेयर भी कर देना इसको, और अभी भी लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। 31 क्वेश्चन हुए, 30 रजनी जी के सही हुए। अरे वाह रजनी जी, बहुत सुंदर। अवधेश जी के भी अच्छे हुए हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में मैं लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेता रहूँगा, आप लोग जुड़े रहिए। और आप लोगों को मैंने ग्रुप में इनवाइट भी कर दिया हुआ हूँ, जो मेरा TGT PGT दिल्ली करके ग्रुप है वो मेरा ही है, तो उसमें आप लोग रहिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद, अब मिलते हैं हम लोग आगे।